हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं और वही एमसीक्यू करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा। तो सीरियल वाइज तो है नहीं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का है, MODERN, मॉडर्न PHYSICS, मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। और ये कौन सा चैप्टर है, इसमें एटम्स आएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड बाय, फिजन मीन्स ब्रेकडाउन। तो न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियर फिजन किसने, तो हैन एंड स्टार्समान, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, जो टिमटिमाते तारे वो सितारा होता है, इज मेनली ड्यू टू, एनर्जी जनरेट करते हैं किसकी वजह से, किसके कारण, तो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूजन की वजह से, मतलब फ्यूजन मीन्स ऐड होना और फ्यूजन मीन्स ब्रेक होना। ये देखिए, फ्यूजन मीन्स ऐड होना, तो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, टेंथ नंबर, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अबाउट, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस अबाउट, फ्यूजन रिएक्शन कितना होता है उसका मान, तो 3×10⁶ कैलोरी, तो ये केल्विन है, कैलोरी नहीं केल्विन। नेक्स्ट 11 देखिए, द मॉडरेटर इन ए रिएक्टर, अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि मॉडरेटर क्या होते हैं। मॉडरेटर वो होते हैं जो न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके मूवमेंट को जो स्लो डाउन कर देते हैं, जैसे मूव करता है तो उसके मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं, मॉडरेटर कहलाते हैं। मॉडरेटर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कौन कौन से होते हैं, पैराफिन्स बैग्स होते हैं, हाईवी वाटर होता है, फिर कुछ ऐसे ही होते हैं, मैंने बताया था, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगी। और आप लोग वीडियो को कैसे रिवाइज कर रहे हैं, वीडियो आप लोग रिवाइज कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कमेंट वीडियो पे नहीं पड़ता तो मुझे पता चलता है कि रिवाइज वीडियो नहीं हो रहा है। तो नहीं करेंगे तो फिर आप ही का घाटा है। तो वीडियो जो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं, मुझे बताते भी हैं, तो जो स्टूडेंट पुरानी वीडियो, जितनी भी चैनल पर वीडियो है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जितनी वीडियो रिवाइज कर रहे हैं ना, उनका देखिएगा, सिलेक्शन गारंटी 100% होगा। तो वो बताएंगे भी कि जो मैं पुरानी वीडियो रिवाइज किया था उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो अगर बेनिफिट आपको लेना है तो वीडियो रिवाइज, जितनी भी वीडियो है, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी रिवाइज करनी पड़ेगी, ऑल वीडियो आप ज़रूर रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडरेटर इन रिएक्टर, मॉडरेटर का काम होता है स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के मूवमेंट को स्लो डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देखिए, सोलर एनर्जी जो होती है किसके कारण होती है, फ्यूजन रिएक्शन के कारण, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल, सबसे बेस्ट न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है जो, वो क्या होता है, Plutonium-239 होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दि सन रिलीज एनर्जी बाय, जो सन होता है, सूर्य होता है, एनर्जी रिलीज करता है किसके द्वारा, क्या करके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन करते, फ्यूजन करके नहीं, ब्रेकडाउन करके नहीं, फ्यूजन करके। ये देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मिस्टेक हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखिए, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दिया गया है, यक्स ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, अब जेड में 2 तो जोड़ दिया गया और यहाँ पे 3, तो एक इसमें सिर्फ निकल रहा है क्योंकि 4 था, तो 3 यहाँ तो ऐड किया गया एक के साथ, लेकिन एक बाहर कर दिया गया। तो ये जो डब्लू दिया गया है, ये किसका सिंबल होता है, ये न्यूट्रॉन का ही सिंबल होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहीं पे कुछ सिंबल आपको बता देते हैं, जैसे ये देखिए, न्यूट्रॉन का ये सिंबल होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल कौन होता है, जैसे ये आप न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल होता है, और यहीं पे अगर आप न्यूट्रॉन का सिंबल देख लेंगे और इलेक्ट्रॉन का सिंबल यहीं पर आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ये
इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है माइनस वन, और यहीं पे एक एकदम सेम यही वाला ना पॉजिट्रॉन का भी सिंबल होता है। जैसे देखिए ऐसे ये पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है, प्लस वन जब कर देते हैं तो ये पॉजिट्रॉन का सिंबल हो जाता है। तो ये होता है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहीं पे एक न्यूट्रिनो होता है, अभी मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, ये न्यूट्रिनो का सिंबल होता है, इसके ऊपर बार लग जाता है तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, ये न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो ये सब सिंबल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, ये 22 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ, अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी कंट्रोल रॉड को यूज करते हैं, तो कैडमियम की करते हैं, जो कैडमियम की छड़ी होती है वही यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कैडमियम की छड़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फॉर द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन की बात कर रहा है, ब्रेकडाउन हाइवी न्यूक्लियस, हाइवी न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना मतलब फ्यूजन होना, न्यूट्रॉन इज मोर इफेक्टिव दैन द प्रोटॉन, प्रोटॉन से मोर इफेक्टिव होता है न्यूट्रॉन, या फिर अल्फा पार्टिकल बिकॉज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज होता है इसलिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने के चांस रहते हैं और हैं भी। जैसे ये देख लीजिए, सल्फर दिया गया, सल्फर का वो एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है। अब आपको एक न्यूट्रॉन भी दिया गया, ये देखिए तो यहाँ 32 और एक 33 हो गया, अब यहाँ पे 32 एक 33, यहाँ पे 16 तो है ही, तो यहाँ पे यक्स पूछ रहा है कि यक्स क्या होगा, तो ये देख लीजिए 16 में से 2 घटा दीजिए, यहाँ पे एक हीलियम लगाया गया है, एटॉमिक नंबर 2 घटाएंगे और एटॉमिक मास में 4 घटाएंगे, तो 32 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 32 में से आप 4 घटाएंगे, 33 में से घटाएंगे, क्योंकि 32 एक है 33 ये है, 32 एक 33 हो जाएगा, 33 में से 4 घटाएंगे 29 और 16 में से 2 घटाएंगे 14, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इन ए न्यूक्लियर फिजन 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन के समय 0.1 मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो दी एनर्जी रिलीज होती है बाय द फिजन ऑफ 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में फिजन होने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 9×10^13 जूल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन एग्जर्ट्स, मतलब बाहर होते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑन ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 10^-14 मीटर डिस्टेंस जो होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये तो क्वेश्चन हो गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी रिपीट हुआ होगा। दी मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पर बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियन का होता है किसी एटम में, तो वो कितना लगभग होता है, 8 mV, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए, यूरेनियम 92-238 कैन बी फ्यूजन बाई, जब फ्यूजन होता है ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, अब आइसोटोप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो न्यूक्लियाई ए एंड बी आर कॉल्ड आइसोटोप इफ़ बोथ देम हैव, तो आइसोटोप्स में ये देखिए, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक मास में डिफरेंट होता है ना, तो एटॉमिक मास में डिफरेंट होगा, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये जेड की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बट ए एटॉमिक मास का नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है एटॉमिक मास, तो इसमें क्या जेड क्या होता है, जेड प्रोटॉन ही होता है, तभी तो प्रोटॉन में कोई डिफरेंट होगा ही नहीं, सेम रहता है, तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब मैंने क्वेश्चन कराया है, काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक पे कराया था, तो देखेंगे तो मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, दी एनर्जी प्रोड्यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑन अकाउंट ऑफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी एनर्जी प्रोड्यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इन द अकाउंट ऑफ,
अब ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे इसके पहले ही भी करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दी न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या होता है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओनली दिया है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आप सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल फ्यूल फॉर अस इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज, पॉसिबल होता है कौन सा फ्यूल को अस इन न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, प्लूटोनियम। अभी इसके पहले वीडियो, इसी वीडियो में पहले हो चुका है क्वेश्चन। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्या यूज करते हैं, थोरियम, बोरान, हीलियम, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट दिया ही है, तो थर्ड ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑलवेज, ऑलवेज न्यूक्लियर फिजन में हमेशा क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो नीड ए न्यूट्रॉन इन स्टेटेड, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इन न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसमें से क्या कंजर्व रहता है, क्या संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये मास और एनर्जी और मोमेंटम तीनों कंजर्व रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी मॉडरेटर्स फंक्शन इन रिएक्टर्स, ये रिएक्टर्स में जो मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सीलरेट द न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट करते हैं, कि स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं, क्या होता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराया है, तो देखिएगा स्लो करते हैं कि फास्ट करते हैं कि शुरू करते हैं। एक्सीलरेट मीन्स शुरू करना होता है, और स्लो डाउन मीन्स रोक देना, मतलब धीमे कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर क्वेश्चन, इसी वीडियो में पहले किए हैं। कंट्रोल रॉड्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, कौन सा कंट्रोल रॉड यूज किया जाता है, कैडमियम की। रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रेस्ट एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी कितनी होती है, तो 0.51 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, हीलियम दिया गया है, और यहाँ पे एक हीलियम को 2 वाला तो सही है, लेकिन 3 वाला अब एक ही है, यहाँ पे ये 0 आप लगाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए जेड में 2 यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा ना, बट यहाँ पे 4A जो जोड़ रहा है, यहाँ 3 जोड़ रहा है, तो एक तो बाहर आएगा ही ना, तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो किसका सिंबल हो जाता है, ये अभी मैंने इसी वीडियो में पहले बताया है कि ये सिंबल होता है किसका, न्यूट्रॉन का होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी हैं। मास एनर्जी इक्वेशन वाज गिवन बाय, मास एनर्जी इक्वेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो आइंस्टीन ने। न्यूट्रिनो इज, न्यूट्रिनो क्या होता है, चार्ज लेस एंड हाइज स्पिन, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिनो चार्जलेस होते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, न्यूक्लियर का फिजन जो होता है सबसे अच्छा एक्सप्लेन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक शॉर्ट रेंज होती है एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ये शॉर्ट रेंज होती है, सबसे मतलब छोटी रेंज होती है न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है सब कम होगा, शॉर्ट होगा, और चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस, मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव है ये, तो ये अल्फा कण भी रिलीज करेगा, गामा भी और बीटा भी, ये सभी रिलीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को किसके बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरिएशन विथ न्यूक्लियर नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, मैंने
इसके पहले वीडियो में ये जो क्वेश्चन था ये बताया था, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ज़रूर बताइएगा, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो मैंने बता दिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इज द सोर्स ऑफ एनर्जी का, न्यूक्लियर फ्यूजन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन एंड हाइड्रोजन एटम, 1 MU, ये पिछली वीडियो में, इसके पहले वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि 1 AMU इक्वल टू कितना होगा, तो ये भी आप बताइएगा। चलिए हम बता ही देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा बताने तो आप घबरा जाएंगे। तो 6 मैंने बताया था 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। इन न्यूक्लियर रिएक्टर दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए, इसमें किरोसिन, वैक्यूम, ऑयल, हैवी वाटर, तो एग्जाम्पल में मैंने 3rd बताया था, हैवी वाटर, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एटॉमिक बम वाज डिजाइन बाय, सबसे पहला एटॉमिक बम किसने डिजाइन किया था, किस साइंटिस्ट ने, तो ई टेलर ने, तो ऑप्शन नंबर 3rd ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन हो गया है मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया था, तो ये सब क्वेश्चन हो गए थे। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, किसी अल्फा पार्टिकल का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास देख लीजिए, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम, जो हीलियम नहीं होता है ये डबली क्या होता है, इसकी डबली चार्ज होता है, तो ये देखिए हीलियम न्यूक्लियस, सो इट इज 2 न्यूट्रॉन होता है एंड 2 प्रोटॉन होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। अब इसमें न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो एटॉमिक इसमें में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर 2 आ जाएगा, और प्रोटॉन कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 2 है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 2 है, ये चीज़ है। तो अल्फ़ा पार्टिकल में, अल्फ़ा पार्टिकल कहीं भी देना तो आपको हीलियम तुरंत सोच लेना है, तो ये 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन आपका प्रेजेंट होगा, और इसका मास 4 यूनिट होता है, मैंने बताया था कि इसका मास कितना होता है, तो 4 यूनिट होता है, और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट होती है, ये मैंने बताया ही था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड एटम वाज, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार रदरफोर्ड एटम था इलेक्ट्रिकली स्टेबल था, क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 1st ऑप्शन ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी, एनर्जी दे दिया -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप लगाएंगे तो H/π आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्वेश्चन सिंपल आप रट भी सकते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन की दी गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1st ही करेक्ट लगाइए, 1.51 इलेक्ट्रॉन, और इसका सॉल्व करने का तरीका भी है। ये देखिए, ऑफ द वेरियस सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दी वन हुईच लाई कम्प्लीटली इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, अब अल्ट्रा वायलेट रीजन किस में आता है, तो अगर ये आपको पता रहेगा ना कि अल्ट्रा वायलेट रीजन किस में आता है, तो ये आप क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे रीजन होता नहीं है अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इन्फ्रारेड रीजन, फिर फार इन्फ्रारेड रीजन, ऐसे होते हैं, तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात कर रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन लाइमन में ही आता है, LYMEN लाइमन सीरीज में ही आती है। लाइमन सीरीज में जो N1 होता है ना, N1 जो होता है वो 1 होता है, और जो N2 होता है, N2 वो 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी हो सकता है, ये चीज़। तो
लाइमन सीरीज में कौन आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन आती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगर बाल्मर में पूछेंगे कौन सी रीजन आती है, तो बाल्मर में विजिबल रीजन आती है, बी आई एस आई बी एल ई विजिबल आर ई जी आई एन लिख सकते हैं आप। और पाश्चन में क्या आता है, ये जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि पाश्चन सीरीज में जो रीजन आती है कौन सी आती है, तो इन्फ्रारेड आती है, आई एन एफ आ एफ आर ए आर ई डी इन्फ्रारेड आर ई जी आई एन इन्फ्रारेड रीजन आती है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम एनर्जी गैप पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी गैप किस में होगी, तो एन से फोर से लेके जब एन से थ्री जाएंगे तब मिनिमम एनर्जी लॉस होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में जा रहा है, यहाँ से फोर में एन से फोर टू एन से टू जा रहा है, एन से फोर टू एन से थ्री, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम लाई इन इन्फ्रारेड रीजन, अब ये इन्फ्रारेड रीजन में कौन कौन सी आती है, तो ब्रैकेट रीजन भी आती है, पाश्चन भी और फुंड भी, तो ये तीनों आती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्रारेड रीजन में कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी लाइन्स आती हैं, ब्रैकेट लाइन्स आती हैं, पाश्चन लाइन आती हैं और एक फुंड लाइन्स होती है, ये भी आती है, तो ये तीनों आती हैं इन्फ्रारेड रीजन में। अगर लाइमन की बात करते हैं कि किस रीजन में आती है, तो लाइमन अल्ट्रावायलेट में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बाल्मर की बात करेंगे तो विजिबल रीजन में आती है, ये चीज़ हो जाएगा आपका, मैंने बताया भी है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, लेजर्स, जो लेजर्स होती है वो क्या होती है, हाईली कोहरेंट होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, तो जो लेजर लाइट मारते हैं, डांस वांस में देखते होंगे जब आर्केस्ट्रा चलता है वहाँ लेजर लाइट चलती है, तो ये चीज़ पूछ रहा है कि वो हाईली कोहरेंट होती है, हाईली, तो ये सब है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन इज रिलेटेड टू, तो लेजर, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन इन इज ऑब्टेंड फॉर द ट्रांजिशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किस में देखने को मिलेगा, तो सिक्स से जब टू में जाएंगे तो मैक्सिमम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम आपको पढ़ना पड़ेगा कि बोहर्स क्या होते हैं, बोहर्स के मॉडल क्या क्या थे, तो आप लोग पढ़िएगा तो फिर बताइएगा ये क्वेश्चन, और तो पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा आसानी से, तो बोहर मॉडल आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बोहर से इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे और इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी दिए थे, तो इसमें तो वैसे बोहर्स मॉडल में फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो ये चीज़ है बोहर वाला, बोहर्स जो थे ना ये एक ऐसे ही मतलब क्या दे दिए थे, जैसे बोल दिए कुछ चीज़ इमिशन, जैसे ये बोले थे, क्या बोले थे, अप्लाई के, ये बोहर का जो मॉडल था ना ये ओनली हाइड्रोजन आइटम पे अप्लाई केबल होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन आइटम हो गया या हाइड्रोजन लाइक आइटम पे, हाइड्रोजन लाइक का मतलब जैसे हीलियम लिए ना, हीलियम को अगर आप पॉजिटिव कर दिए एक पॉजिटिव, लिथियम पे आप दो पॉजिटिव कर दिए, तो ये हाइड्रोजन लाइक ही आइटम है ये सब, तो ये चीज़ है। और एनर्जी लेवल का इसमें स्टेशनरी फिक्स एनर्जी स्टेट के बारे में बताए थे, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग तो इतना क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, जैसे नहीं तो अब दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर, न्यूक्लियस का साइज पूरा तो 10^-15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, तो 1.1/12 मास ऑफ वन कार्बन आइटम, इंपॉर्टेंट है एकदम अच्छे से देखिएगा, वन कार्बन आइटम, तो ये चीज़ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है किसके, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन आइटम, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो चलिए आप लोग को बेस्ट वीडियो मिली होगी और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो मैं फिजिक्स भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में चैनल पे कराया हूँ काफ़ी वीडियो। तो आप लोग जितनी भी वीडियो 2020 में मैंने कराया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो ये सभी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल का नेम क्या है? CET in NEET। चैनल का नेम आपको बता देते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे CET in NEET। CET in NEET चैनल आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहाँ पे आप चैनल पे जाएंगे और चैनल पे जाते समय आप वहाँ पे उस पर टिक करेंगे तो वीडियो ऑप्शन मिलेगा और वहीं पे प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जितनी भी नेम की बनी हुई है, एक नेम की आप जितनी वीडियो उसमें रहे पहले वो देखिए, फिर सेकेंड ऐसे ऐसे आप रफ पे नोट डाउन करते और उस पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो ख़त्म करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। जितना रिवाइज करेंगे उतना बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, 100% बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ है, नहीं तो फिर बाद में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देके आएंगे तो कहेंगे आपके वे चैनल से कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। मिलेगा कैसे, जब आप सिर्फ 10-20 वीडियो देख के जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे मिला है, क्योंकि आप सो के ऐसे ही लेट के देख रहे हैं। अगर मेहनत से पूरी वीडियो देख के जाएंगे तो 100% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आप बेस्ट करेंगे। ऐसी कोई मतलब यह है नहीं कि आप इसमें तीनों में काफ़ी बेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।